जी सर, आपका नाम क्या है? सुभाष जैन। ओके, आप कहाँ के हो? वैजापुर जिला औरंगाबाद। आपको क्या प्रॉब्लम था? पूरा गर्दन से लेके तो कमर तक के पूरा दर्द था मेरा। ओके, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस लाइक। ओके, इसके लिए आपने ट्रीटमेंट बहुत सारे ली हो? बहुत सारे। अच्छा, आप जो भी यहाँ पर आए, अब तक कितना सिटिंग आपका हुआ? अभी आज मेरा तीसरा है, दो हो चुके हैं। दो सिटिंग हुए। तो अब जो तकलीफ आपको पहले थी, लाइक मान में, पाठ में, कमर में, तो जो मान में आपको दर्द था वो कितना कम है, पाठ में जो था वो कितना कम है, कमर में जो था वो कितना कम है? मान पूरी फ्री हो गई मेरी। अच्छा, मान पहले आप मूवमेंट पूरी तरह से, पूरी मूवमेंट नहीं होती थी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी। अच्छा, जब से हमारी ट्रीटमेंट आप ले रहे, कोई मेडिसिन ले रहे हैं? हमने कोई मेडिसिन दिया था? नहीं। ओके, अभी आप, हमने जो दो सिटिंग आपका अब तक किया, इससे आप संतुष्ट है, खुश है? बिल्कुल। आज फिर हमारा तीसरा सिटिंग आ रहा है, ठीक है ना? Yes, तो तीसरा सेटिंग शुरू करते हैं, उसके बाद फिर पूछेंगे आपसे और, ठीक है? हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुश्ताक। आज हम सुभाष जैन जी से मिलेंगे। ये एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं और बायलेटरल इनके लंबर रीजन में ऑपरेशन भी है। और इनका आप शेप देख सकते हैं, स्पाइन का ये शेप कितना फिक्स हुआ है, जिसके कारण इनको लो बैक पेन, सर्वाइकल में भी इनके कॉम्प्रेशन था। अभी उनका सर्वाइकल का पेन काफ़ी हद तक कम है, आपने उनके मुँह से सुना। और अभी बायलेटरल कंप्रेशन जो उनका है, तो L4 L5 ये उनका प्रोमिनेंट है, देख सकते हैं यहाँ। और इंटीरियरली भी डिसलोकेट है और कंप्रेस कर रही है नर्व रूट को, जिसके कारण इनको पैरों की तरफ खिंचाव आना, झुकने, चलने, खड़ने में, थोड़ी देर चलने में या थोड़ी देर खड़ने में दर्द आना, ये सब इनको कॉम्प्लिकेशंस है। अब इनका जो तकलीफ है, दो सिटिंग्स में काफ़ी हद तक इनको राहत मिली, आज तीसरा सिटिंग हम स्टार्ट करेंगे, क्या उनको बदल होता, उन्हीं से जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बॉडी का शेप कितना, थोरैसिक रीजन जितना है ये पूरा बेंड हो चुका है और ये फिक्स्ड है। मसल्स इनके स्पाइन के अकॉर्डिंग मसल्स पूरे फिक्स हुए हैं और वर्टिब्रा में भी इनके प्रॉब्लम है। तो आज हम इनका थर्ड सिटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद श्वास बाहर, श्वास भरे बाहर, एक बड़ी श्वास बाहर, फिर से बड़ी श्वास बाहर। यस, थोड़ी राहत मिली कि मैं अभी आसानी से थोड़ा घूम फिर सकता हूँ। मतलब पहले टर्न नहीं हो सकते थे, बहुत ज्यादा समय लेना पड़ता था, ऐसा होके फिर ऐसा करना, फिर ऐसा उठ के, फिर ऐसा, ये सब पेन बहुत होता था। थोड़ी राहत हुई बदल, मतलब करवट बदलने में और सीधा होने में आपको जो पहले समय थी वो स्पीड कम हो गई, स्पीड बढ़ गई, और जो पेन था वो पेन भी कम हो गया। डायरेक्ट उठने में भी तकलीफ थी और थोड़ी कम हो गई, चलो उठने में बहुत दिक्कत आती थी सोने के बाद। ठीक ठीक, बड़ी मेरी तरफ ड्रॉप कर दो, फिर से एक श्वास भरना बाहर, और यहाँ रखो हाथ मिला बस वहाँ नीचे, कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करना। एंकोलॉजी के कारण और SI जॉइंट फिक्स होने के कारण और
मूवमेंट नहीं होने के कारण इनका लेग लेंथ भी काफ़ी शॉर्ट था, अभी वो काफ़ी हद तक तो मेंटेन हुआ लेकिन अभी भी कुछ हद तक शॉर्ट है, तो उसको मैनिपुलेट करता है। लूज रिलैक्स फिर से लूज नेक्स्ट अब इक्वल है लूज छोड़ना श्वास भरना है बाहर बेस्ट वाह पहले ये मूवमेंट में बहुत डर था ना मूवमेंट हो रही है श्वास बाहर वेस्ट मूवमेंट पहले काफी रिस्ट्रिक्टेड थी, ये पहले नीचे नहीं जाता था नहीं। अब ये नीचे मूवमेंट हो रही है यानी वर्टिकल मूवमेंट इनकी काफी हद तक सुधार है। आप मत करो, आप मत करो, खींचो मत, फिर से लूज मस्त लूज रिलैक्स थोड़ा सा मान हाथ हाथ जो है नीचे तोड़ मान उठाओ स्लोज बेस्ट वाह भाई वाह थोड़ा सा बहुत ही मस्त वापस रखो मेरे हाथों पे हाथ रखो मान उठाओ पैर जोड़ लो बस बॉडी ड्रॉप करो मेरे ऊपर छोड़ दो जी आज हमारा थर्ड सिटिंग कंप्लीट हो गया, कैसा लग रहा है अभी? बहुत ही फील अच्छा लग रहा है। जितना पेन था या जो दर्द था जो खिंचाव था लोअर साइड में मान में कमर में पैरों की तरफ जो खिंचाव आता था उसमें आज और कितना बदल हुआ होगा? और 20% रिजर्व हो गया 20-40% तक पहुंचे। बहुत अच्छा, तीन सिटिंग में एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको ये रिजल्ट है, खुश है आज की सिटिंग से? बहुत बढ़िया, ठीक है ना, थैंक यू।